टॉप 5 बेस्ट पावरफुल 5G स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपीज। सो गाइस, अगर आप भी अपने लिए इस प्राइस पॉइंट पर एक अच्छा खासा स्मार्टफोन चाहते हैं, जहां पर आपको 5G का सपोर्ट मिल जाए, अच्छे और तगड़े कैमराज हो, बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले, लंबी चलने वाली बैटरी और अच्छी खासी परफॉर्मेंस, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात कर पर हमने रखा हुआ है इन्फिनिक्स का हॉट 50 5G। बात की जाए फोन की तो ये स्मार्टफोन आपको डिजाइन और लुक के मामले में तो काफी अच्छा देखने को मिल ही जाता है। साथ ही साथ स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको PMMA मटेरियल दिया गया है, जो कि प्लास्टिक से थोड़ा सा बेटर होता है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी फोन की काफी अच्छी है, और इसी के साथ में ये फोन 7.8 mm की थिकनेस और 185 grams के साथ में आता है। सो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है, और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग मिल जाती है, यानी हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी फोन की यहाँ पर अच्छी है, और डिजाइन में भी फोन यहाँ पर काफी अच्छा दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.78 इंचेस की एक HD+ IPS LCD पैनल, और पॉसिबली आपको यहाँ पर NEG का प्रोटेक्शन दिया गया है, और साथ ही साथ 500 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो इंडोर में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी, हालांकि आउटडोर में आपको थोड़ी मोटी विजिबिलिटी की शिकायत देखने को मिल सकती है। लेकिन बात करें गेमिंग की तो 120Hz तक की आपको यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास देखने को मिल रहे होंगे, बट काम का यहाँ पर सिर्फ एक ही सेंसर है, और वो है मेन कैमरा, जो कि आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का, और ये सेंसर है यहाँ पर सोनी का IMX582। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा, और तीसरा यहाँ पर एक AI लेंस है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। अच्छी बात यह है कि फ्रंट और बैक दोनों ही साइड आपको यहाँ पर LED फ्लैश का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और रही बात कैमरा आउटपुट की, तो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी डिसेंट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन में ढेरों सारे मोड्स और फीचर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम 2K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे up to 30 FPS, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का 5G चिपसेट, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। जी हाँ दोस्तों, अंतुतु पर यह स्मार्टफोन लगभग 4,27,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर मिलता है आम मालीजी 57MC2 का 2 कोर का GPU, जो कि आपको मीडियम सेटिंग पर काफी अच्छी गेमिंग कराने में भी कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिक्स ने यह भी दावा किया है कि 5 साल तक आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। सो ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है, जो कि 18W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन दोस्तों चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10W का चार्जर ही बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट देखने को मिल जाती है, और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। और रही बात एडवांस फीचर्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल मोनो स्पीकर्स के साथ में आपको यहाँ पर काम चलाना पड़ेगा, जिसकी ऑडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर डिसेंट मिल जाएगी। रही बात कार्ड ऑप्शन की, दोस्तों यहाँ पर आपको हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की, दोस्तों ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 14 पर, हालांकि आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 15 का सपोर्ट देखने को मिलेगा या नहीं ये तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन आपको यहाँ पर 2 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस जरूर देखने को मिलेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि स्मार्टफोन का जो OS है ये पहले से काफी ज्यादा क्लीन हो चुका है, और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। रही बात 5G बैंड की, दोस्तों ये स्मार्टफोन अप टू 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है। और रही बात प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 9,999 रुपये, बट अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो ये स्मार्टफोन इजीली आपको 8,500 रुपये की कीमत पर मिल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी डील है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और अगला स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है वीवो की तरफ से, वीवो का T3 Lite 5G। बात करें फोन की दोस्तों, तो स्मार्टफोन का डिजाइन और लुक आपको थोड़ा सा डिसेंट ही देखने को मिलने वाला है, जैसा कि आपको वीवो का T2X देखने को मिला था, लगभग वैसा ही डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन आपको पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ में मिलेगा, साथ ही फोन की थिकनेस है 8.4 mm
और फोन आता है 185 ग्राम के साथ। तो देखा जाए तो इन हैंड फीलिंग में फोन अच्छा रहता है। और हाँ, यहाँ पर आपको IP54 की रेटिंग मिल जाती है, यानी कि हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलेगी, उसमें आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर लगी हुई 6.5 इंच की एक HD+ IPS LCD पैनल, जहाँ पर आपको पैंडा ग्लास का सपोर्ट मिल जाएगा। 840 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही वाइड वाइन L1 का सपोर्ट दिया गया है, तो ये अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर डिसेंट मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास दिए गए। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और ये एक सोनी का सेंसर है। साथ में आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक टेप सेंसर देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात इमेज आउटपुट की, तो डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी आ जाती हैं। वैसे आपको यहाँ पर नाइट मोड का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट में आपको नाइट मोड की फोटो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती। बात करें वीडियो क्वालिटी की दोस्तों, तो यहाँ पर आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट, जो कि अभी रिसेंटली हमें Realme के C65 5G स्मार्टफोन के अंदर भी देखने को मिला। और इस फोन के अंदर हमें आम वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU देखने को मिलता है। रही बात अंतुतु की दोस्तों, ये स्मार्टफोन लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छे स्कोर है। तो डेली टास्क वगैरह में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और हाँ, आप यहाँ पर मीडियम सेटिंग पर अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज दिया गया, जबकि अगर यहाँ पर UFS 2.2 का स्टोरेज होता तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर हो सकती थी। बट ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस ठीक ही मिल जाती है। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है, जो कि 15W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिलता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि बॉक्स के अंदर आपको एडेप्टर नहीं मिलेगा, यानी कि आपको चार्जर को अलग से परचेस करना होगा, मतलब कि आपको थोड़े से और पैसे लगाने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया है। और हाँ, यहाँ पर आपको सिंगल मोनो स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि फोन के अपर साइड में दिए गए हैं। हालांकि ऑडियो क्वालिटी ठीक है, उससे आपको कोई खास दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन उतनी मजेदार भी नहीं है। रही बात यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 बेस्ड फन टच OS 14 पर लॉन्च किया गया है। हालांकि यहाँ पर भी आपको ब्लॉट पेज वगैरह देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है। सो ओवरऑल देखेंगे तो एक मिक्स सा पैकेज है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ वीवो का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, और वो भी इस प्राइस पॉइंट में जहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट मिले, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4 और 128 के लिए आपको देने होंगे 10,499 रुपए। वहीं पर 6 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,499 रुपए। सो आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ। और अगला स्मार्टफोन आपको डेफिनेटली काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है, और ये स्मार्टफोन है यहाँ पर रियलमी का C65 5G। बात करें फोन की, तो ये फोन भी आपको डिजाइन और लुक के मामले में Realme 12 सीरीज की तरह ही देखने को मिलने वाला है। डिजाइन लैंग्वेज में आपको यहाँ पर कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि ये स्मार्टफोन भी आपको पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ में मिल जाएगा, और साथ ही आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग मिल जाती है, तो हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। वैसे आपको बता दूं कि फोन 7.9mm की थिकनेस और 190 ग्राम के साथ में आता है, तो काफी लाइट वेट और स्लिम फोन है, तो इन हैंड में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर लगी हुई 6.67 इंच की एक फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में आती है। साथ में आपको यहाँ पर लगभग 650 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी, हालांकि इंडोर में आपको कोई खास शिकायत नहीं आएगी, लेकिन आउटडोर में आपको यहाँ पर थोड़े से इश्यूज देखने को मिलेंगे। वहीं पर बात करें गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट मिलती है। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा।
फ्रंट की बात करें तो आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है और अच्छी बात यह है कि डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी आती हैं, लेकिन कभी कभी ये स्मार्टफोन थोड़ा सा फोटोज को ओवर एक्सपोज भी कर देता है। बाकी डे लाइट में आपको फोटोज में कोई खास इशू देखने को नहीं मिलते। और हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस्ड MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, ये एक लेटेस्ट चिपसेट है जो कि आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें OnTuTu स्कोर की, तो 4,33,000 के आसपास ये स्मार्टफोन स्कोर कर जाता है। साथ ही साथ LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो परफॉर्मेंस में यानी कि डेली यूसेज में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती है। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन आपको HD सेटिंग पर अप टू 40 FPS तक की गेमिंग कराने में कैपेबल है। लेकिन अभी यहाँ पर एक छोटा सा इशू भी है कि यहाँ पर गेमिंग के टाइम पर ये स्मार्टफोन हल्का सा हीट होता है और उस दौरान टच यहाँ पर थोड़ा सा ठीक तरह से काम नहीं कर पाता, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है जो कि 15 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। वैसे देखा जाए तो फोन का बैटरी बैकअप काफी अच्छा है और आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाता है। अब बात करें तो कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, लेकिन ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। और हाँ, यहाँ पर आपको हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। वैसे UI की बात करें तो ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर आता है, जहाँ पर आपको मिलता है रियलमी का UI 5.0। और सबसे अच्छी बात, आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। रही बात 5G बैंड की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है। सो देखा जाए तो ये कंप्लीट फोन है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 11,499 रुपए। वैसे स्मार्टफोन का 4 और 64 वाला वेरियंट आपको मिल जाता है 10,499 रुपए की कीमत पर, तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी वेरियंट यहाँ पर चेकआउट कर। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके अगले फोन की, और यहाँ पर हम रखा हुआ है मोटो का G45 5G। बात करें इस फोन की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन हालांकि आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन बैक साइड में आपको यहाँ पर वीगन लेदर का सपोर्ट दिया गया है जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। इन सभी के अलावा 8mm की थिकनेस और 183 grams का है। सो ओवरऑल देखेंगे तो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है और बिल्ड क्वालिटी भी फोन की यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.5 inches की एक HD+ IPS LCD पैनल, जहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का आपको सपोर्ट मिल जाता है, और साथ ही आपको 580 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो इंडोर में आपको यहां पर कोई शिकायतें आने वाली, हालांकि आउटडोर में विजिबिलिटी के थोड़ी मोड़ी इशू देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपको यहां पर वाइड बैंड L1 का सर्टिफिकेशन दिया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर ऑनलाइन HD कंटेंट वगैरह स्ट्रीम कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। वैसे गेमिंग के लिए आपको यहां पर 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट मिलती है, हालांकि यहां पर फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन होता तो और ज्यादा अच्छा होता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहां पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहां पर 2 कैमरास देखने को मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का यहां पर एक मैक्रो लेंस लगा हुआ है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो एक बहुत अच्छी बात है। रही बात इमेज आउटपुट की दोस्तों, तो डे लाइट में फोटोज भी अच्छी निकल कर आ जाती हैं, साथ ही आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह का सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पर हम बात करें अगर वीडियो आउटपुट की दोस्तों, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 FPS। और अच्छी बात यह है कि बैक साइड में आपको यहाँ पर EIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस्ड स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 का चिपसेट। आपको याद होगा कि हमने मोटो G34 5G के अंदर Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट देखा था, जो कि लगभग सेम परफॉर्मेंस ही निकाल कर देता है जैसा कि आपको Snapdragon 6s Gen 3 निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन OnTuTu पर लगभग 4.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि डेली टास्क वगैरह में आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। और हाँ, और आप यहाँ पर HD ग्राफिक्स पर काफी अच्छी गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। सो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है, जहाँ पर 20 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी वाली पोर्ट देखने को मिल जाती है। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक,
ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं जहां पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको मिल जाता है। जी हां दोस्तों, ऑडियो क्वालिटी सच में काफी कमाल की है। इन सभी के अलावा आपको यहां पर मिलता है एक हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, सो आप यहां पर एक साथ में दो 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 14 पर। साथ ही साथ आपको यहां पर एक साल का मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है, जहां पर आपको VoNR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आपका कॉलिंग एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर हो जाता है। सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। सो देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर लगभग ये एक कंप्लीट पैकेज है। हालांकि फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन होता तो डेफिनेटली ये एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन भी कहलाता। चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 4 और 128 के लिए नॉर्मली आपको दे देंगे 10,999 रुपए, बट अगर आप चाहें तो बैंक ऑफर्स लगा करके स्मार्टफोन को अंडर 10,000 रुपीज की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक काफी अच्छा पैकेज है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है पोको का M6 प्लस 5G। बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है, हालांकि आपको यहाँ पर बैक में ग्लास का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही IP53 की रेटिंग मिल जाती है, यानी हल्के फुल्के वाटर डस्ट का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और इन सभी के अलावा 8.3 mm की थिकनेस और 205 ग्राम वेट के साथ में आता है, सो इन हैंड फीलिंग में भी फोन अच्छा रहता है। चलिए अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.79 इंच की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। साथ ही 550 नीट तक की पीक ब्राइटनेस दी गई, तो इंडोर में तो आपको कोई शिकायत नहीं आएगी, हालांकि आउटडोर में आपको थोड़ी मोड़ी विजिबिलिटी की शिकायत देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ 120Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिस्प्ले क्वालिटी ठीक मिलती है। बात करें फोन के कैमरास की तो बैक साइड में आपको दो कैमरास देखने को मिल जाएंगे। मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है और डे लाइट में फोटोज भी अच्छी निकल कर आ जाती हैं। साथ ही साथ आपको ढेरों सारे मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। इन सभी के अलावा अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm बेस Qualcomm Snapdragon 4 Generation 2 का चिपसेट, या जिसे आप एक्सेलरेटेड वर्जन भी कह सकते हैं, और यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है Adreno 613 का GPU। सो देखा जाए तो चिपसेट यहाँ पर काफी अच्छा है और अंतु पर लगभग 5.5 लाख के आसपास स्कोर भी कर जाता है। सो देखा जाए तो ये स्मार्टफोन आपको मीडियम लेवल की सेटिंग पर काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है, और साथ ही साथ LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का आपको यहाँ पर स्टोरेज दिया गया है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस मॉडल फोन का यहाँ पर अच्छा मिल जाता है, आपको परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा अगर हम बात करें फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5030mAh की बैटरी लगी हुई है। साथ ही 33W चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी दी गई है। और वहीं पर अगर हम कुछ एडवांस फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको यहाँ पर एक सिंगल मोनो स्पीकर देखने को मिलते हैं, जिसकी ऑडियो क्वालिटी आपको डिसेंट मिलती है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप एक साथ में दो 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है एंड्रॉइड 14 बेस हाइपर OS पर। हालांकि आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक डिसेंट सा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 12,999। गाइस इस सेल में ये स्मार्टफोन बैंक ऑफर्स के साथ में आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10,499 रुपए की कीमत पर। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो डेफिनेटली काफी कमाल का पैकेज है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर देख लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।